किए, अपना अभ्यास शुरू करते हैं, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कल का अभ्यास हमारा नहीं हो पाया था, तो समय हो चुका है, बात विवाद हम आगे करते रहेंगे। तो चलिए सभी लोग बैठ जाइए आराम से। सामान्य स्थिति, जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ पाए, शरीर को सीधा रखिए, मन को शांत रखिए और शरीर की हर स्थिति को तैयार कीजिए योग अभ्यास के लिए। आंखें बंद, पीठ सीधी और पूरे शरीर में स्थिरता लाइए। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस खींचिए अंदर और लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे हम सभी लोग एक साथ। सांस भरेंगे लंबा गहरा, और दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए, स्पर्श करते हुए, आंखों पे, चेहरे पे स्पर्श कराते हुए फिर आंखें खोलेंगे। तो आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। आप सभी की पेशेंस और धैर्य का अच्छा इम्तिहान रहा कल, जिससे हम कल अभ्यास नहीं कर पाए, लेकिन आज हम उसका डबल अभ्यास करेंगे, कल की कमी को पूरा करेंगे। तो कोविड के समय में जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपके लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने की। तो अपने दोनों हाथों को सीधा अपने घुटने को पकड़ के रखिए, पीठ को रखिए एकदम सीधा और कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास हम करेंगे। पीठ अंदर खींचिए, सांस बाहर निकालिए। शरीर को बिल्कुल ढीला रखिए, पीठ एकदम सीधी, सांस हर बार बाहर। आपके सांस छोड़ने की आवाज जितनी अच्छी और जितनी तेज होगी, अभ्यास आपका उतना ही बेहतर होगा। लगातार सांस छोड़ते रहिए बाहर। लगातार सांस बाहर, पेट अंदर। कुछ एक अभ्यास और, पीठ को सीधा रखिए और धीमे से शांत शरीर को स्थिर बनाइए। कपालभाति के अभ्यास के बाद शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अनुभव कीजिए कि श्वास पर श्वास की गति में क्या बदलाव आते हैं। अनुभव का विषय है और जो लोग हमारे साथ हैं, किसी को भी अगर हाई बीपी, हाइपरटेंशन या फिर हार्ट पेशेंट हैं, वो इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। और सभी लोगों से वही निवेदन है कि आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें ताकि साक्षात्कार आप सभी से बेहतर हो पाए। फिर से पेट अंदर, श्वास बाहर लगातार। श्वास बाहर, पेट अंदर लगातार। शरीर की हर स्थिति, पेट अंदर खींचते हुए सांस को बाहर निकालिए फोर्सफुली। एक्सहेल करना है, सांस की गति बाहर तेजी से। दांतों को दबा के अभ्यास कीजिए। हर सेकंड सांस बाहर, पेट अंदर लगातार। धीमे से रिलैक्स, मन शांत। और कल की तरह या कोई भी टेक्निकल एरर, आवाज या साउंड या वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप लोग माइक ऑन करके हमें इत्तला कर सकते हैं कि जो कमी है उसको ठीक किया जाएगा। मन को स्थिर कीजिए, शरीर को शांत कीजिए और धीमे से आंखें खोलेंगे। देखिए अभ्यास जो सेशन हमारा चल रहा है वो समाप्ति की ओर है।
दो दिन का अभ्यास और है जो हम अच्छे से करेंगे, ताकि आशा करते हैं आप आगे बेहतर से सीख पाए। अब दोनों हाथों को हम रखेंगे ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से, और लंबा गहरा श्वास खींचेंगे पीठ को सीधा करते हुए, लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। लगातार सांस अंदर बाहर, लोहार के धोंकने के समान आपकी सांस की आवाज आनी चाहिए। इनका अभ्यास रोज करने से कभी भी इस कोविड में आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती। अभ्यास कीजिए, खींचिए सांस लंबा गहरा अंदर, सांस बाहर। और धीमे से रिलैक्स, आंखें खोलेंगे, शरीर को और मन को एक सही फिजिकल और मेंटली रूप से अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। देखिए, योग और योगा में बहुत फर्क होता है। अक्सर हम लोग हर जगह योगा ही सीखते हैं, योग नहीं सीखते। तो आज आपको एक अद्भुत एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करूंगा कि जहां आप द रियल योगिक प्रैक्टिस को अनुभव कर सकते हैं, कि वास्तविक योगिक अभ्यास क्या होता है, वो आज हम अनुभव करेंगे सही आसनों और सही तरीके के साथ। उससे पहले थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, हाथ को रखिए सीधा सीधा, हथेली जो है आपके एकदम सामने दीवार की तरफ फेस करे, पीठ आपकी एकदम सीधी, आपके हाथ जो है वो एकदम सीधे रहें, कहीं भी झुकाव ना हो। हथेलियों को ऐसा ही रखिए जैसे हम किसी को ताली मारते हैं, उंगलियां सीधी, हथेली सीधी, और धीमे से हथेलियों को ऐसा ही कीजिए नीचे की तरफ, और हाथ एकदम खिंचे हुए। जो आप अंदर खींच रहे हैं हाथों को, तो ज्यादा से ज्यादा अंदर खींचिए, वापस कीजिए सामने सीधा, तान के खींच के, और फिर से नीचे, दोनों हाथ ऊपर नीचे, 5 बार करेंगे इसका अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5। अंगूठा अंदर कीजिए, मुट्ठियां बंद कीजिए और कलाई घुमाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप मेरे साथ लगातार इसका अभ्यास करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि सही अभ्यास का अनुभव क्या होता है। थकान हो, पीड़ा हो, हाथ नीचे नहीं लाने हैं, बस थोड़ा सा अभ्यास। 5 राउंड और घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। हाथों को सीधा रखिए, उल्टी घुमाइए कलाइयों को। कलाई आप घुमाएंगे तो आपके कंधे, जो हमारे फीमेल्स हैं जिनके हाथों पे बहुत जल्दी मांस चढ़ जाता है, फैट चढ़ जाता है, उसके लिए अत्यंत लाभकारी है। 5 बार और, 1, 2, 3, 4, 5। हाथों को खोलिए बाहर सीधा। आपके कईयों के हाथों में हल्का झुंझुनी, हल्का सा दर्द हो सकता है, लेकिन अभ्यास जारी रखेंगे हम। और यहां घुमाइए कलाइयों को, अब 5 बार घुमाएंगे यहां, 1, 2, चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता के भाव के साथ, 3, 4, 5। हथेली करेंगे आसमान की तरफ, छत की तरफ, और हाथ को लाइए कंधों पे, और फिर कीजिए सीधा, फिर से लाइए कंधों पे, फिर से कीजिए सीधा। 10 बार हम इसी का अभ्यास करेंगे, 1, कंधे आपके सीधे, हाथ सीधे, पीठ सीधी, 2, 3, 4, 5, 6, श्वास की गति लंबी गहरी, 7, 8, 9 और 10। कंधे पकड़िए अपने और घुमाइए दोनों कोहनियों को, बहुत बढ़िया। दोनों कोहनियां आपके सामने टच होनी चाहिए लगातार, चेहरे पे कोई दबाव और तनाव नहीं, प्रसन्नता रखिए हमेशा। सही अभ्यास क्या होता है, आज आप सही से अनुभव करेंगे। यौगिक अभ्यास में किन किन चीजों की कठिनाइयां देखनी पड़ती हैं और क्या क्या हमें अनुभव होते हैं, बहुत बेहतरीन अनुभव, चमत्कारी अनुभव भी कहें तो भी गलत नहीं होगा। घुमाते रहिए कोहनियां 5 बार और, 1
राउंड एंड राउंड टू डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट और फाइव रिवर्स उल्टा घुमाएंगे अब आपके कोहनियां हर बार कोशिश कीजिए कि सामने टच हो पाए। देखिए आपका वजन जो बढ़ा हुआ होता है वो एकदम से नहीं बढ़ता, समय लगता है वजन बढ़ने में तो वजन घटाने में भी समय लगता है, लेकिन हारना नहीं है रुकना नहीं है। फाइव टाइम्स और फाइव फोर थ्री टू और वन, धीमे से हाथ घुटने पर रखिए। अब जिन लोगों ने लगातार ये अभ्यास किया अब वो अनुभव कर पा रहे होंगे कंधों पे और हाथों पे क्या अनुभव होता है। अब ना तो आपके हाथ उठाने का मन होगा ना हाथ हिलाने का, इतनी स्थिरता शरीर में आनी चाहिए। इसी के साथ दूसरा अभ्यास हमारा, हम अपने सीधे हाथ से लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ उठाएंगे ऊपर सीधा। अभी तक हम अभ्यास कर रहे थे, आज आसन करेंगे और साइड में जाइए खींचते हुए और यहां पे रोकने का अभ्यास। आपके दोनों लंग्स जो है वो खिंचाव हों, आपके सांस लेने में दिक्कत आने लगे, रोक के रखिए 5 सेकेंड। 5 4 दोनों हाथ एकदम सीधे, 3 हाथ सीधे, 2 1 वापस हाथों को चेंज कीजिए, घुटना पकड़िए दूसरा हाथ उठाइए सीधा कान से लगाओ, खिंचाव दीजिए दोनों तरफ, रोक के रखेंगे यहां, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, शरीर में खिंचाव आएगा 5 सेकेंड्स तक। 1 2 3 4 5 वापस एक बार और दूसरी तरफ से अभ्यास, हाथों को इजीली क्रॉस देन हैंड्स अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस खींचिए, यहां पे आपकी सांस रुकनी नहीं चाहिए, 5 सेकंड तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 वापस दूसरी तरफ आखिरी बार लास्ट टाइम, हाथ ऊपर कान के पास दूसरी तरफ ले जाइए, रोक के रखेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 वापस दोनों हाथ रखिए अपने पैरों के पास जमीन पे, लंबी गहरी सांस लीजिए। देखिए अगर आपको सिर्फ सुनना है तो आप इसका अभ्यास ना तो आपको अनुभव कर पाएंगे ना ही आपको कोई भी आनंद आएगा। अभ्यास कर रहे हैं तो वास्तविक रूप से आप समझ पाएंगे कि कैसे सही अभ्यास होता है, इसीलिए सभी लोग वीडियो ऑन रखें वरना हम आपको रिमूव कर देंगे ताकि किसी को ये ना लगे कि वो अकेले अभ्यास कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस खींचिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। अब दोनों हाथों को आराम से रखेंगे कमर के पीछे और सांस छोड़ते हुए ये देखिए आपका पेट सही लेवल पे है या नहीं, श्वास छोड़ते हुए जाइए आगे और अपना माथा जो है जमीन से लगाने का प्रयास कीजिए, धीमे धीमे श्वास नीचे। अगर माथा लगता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका पेट जो है वो एक लिमिट से ज्यादा आगे है या बढ़ा हुआ है। जितना नीचे झुक पाए जाइए और रोक के रखिए अपने आप को पूरा नीचे, लेकिन श्वास नहीं रुकनी चाहिए, लंबी गहरी श्वास लेते रखिए और होल्ड रखिए यहाँ पे, रोक के रखना है हमें 10 सेकंड तक। आपका माथा जमीन के जितना हो सके उतना नजदीक, 10 सेकंड का होल्ड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 धीमे धीमे वापस श्वास भरते हुए और लंबी गहरी श्वास लेंगे, दोनों पैरों को कर देंगे सीधा। देखिए जरूरी नहीं है आपकी बॉडी ओपन करने के लिए या आपका वेट कम करने के लिए शरीर को ज्यादा उछल कूद की जरूरत पड़े। आप आज मेरे
साथ अभ्यास कीजिए और आज वास्तविक रूप से मैं आपको बताऊंगा आप सही अभ्यास क्या अनुभव दिलाता है शरीर में, वो अनुभव कर पाएंगे। और दोनों पैरों को सामने से खोलिए, इतना खोलना है कि आप सहज रूप से बैठ पाए। अगर आपको मेरे पंजे दिख रहे होंगे तो हमें इस तरीके से पंजे सीधे रखने हैं और दोनों हाथों को पैरों के बीच में रखना है। ये पोजीशन हमारी बैठने की। अब पहले दोनों पैरों को पंजे हम आगे और पीछे चलाएंगे खिंचाव देते हुए। इतना खिंचाव दीजिए कि आपके घुटने तो बिल्कुल भी ना उठें, बेशक आपकी एड़ियां ऊपर उठ जाएं, लेकिन पैरों में खिंचाव आगे पीछे लगातार 10 बार हम इसी तरीके से करेंगे। एक, पूरी ताकत से बाहर खींचिए, अंदर खींचिए, बाहर खींचिए, अंदर खींचिए, 10 बार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को वापस और थोड़ा खोलने का प्रयास कीजिए, लेकिन जहां आप आराम से बैठ पाए। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो हाथों को पीछे रख के बैठ रहे हैं, दैट्स ऑल्सो ओके। अब दोनों हाथों को हम जमीन पर रखते हुए श्वास भरेंगे और दोनों हाथों को एक साथ उठाएंगे और दोनों हाथों से हम अपने राइट लेग को टच करेंगे आगे जाते हुए। जहां तक हो पाए पैर पकड़ पाए, घुटना पकड़ पाए, टखना पकड़ पाए, पकड़ते ही वापस ऊपर। फिर से सिर्फ राइट लेग, फिर नीचे गए, फिर से ऊपर। एक ही पैर को हमें बार बार करना है, 10 बार। 1, 2, खिंचाव दीजिए पूरे शरीर में, 3, 4, श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, 5, भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, 6, लगातार। चेहरे पर तनाव नहीं लाना है, प्रसन्नता के साथ, 9 और 10 में पैर को पकड़ लीजिए, जहां तक आप टच कर रहे थे पकड़ के रखिए, गर्दन को नीचे या सामने देखने की कोशिश कीजिए। अब जहां भी खिंचाव हो रहा है, पैर के नीचे, पेट पर, पीठ पर, आंखें बंद करके उसका अनुभव कीजिए। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप को नीचे खींचते जाइए, खींचते जाइए नीचे, और धीमे से सांस भर के हाथ ऊपर और दूसरी तरफ, दूसरे पैर की तरफ शुरू करेंगे। 1, ऊपर वापस हाथ सीधे, 2, हाथ सीधे, 3, चेहरे पे तनाव बिल्कुल नहीं आए, 4, हमेशा मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ, 5, 6, हम अभ्यास कर रहे हैं मजदूरी नहीं जो हमें तनाव आना चाहिए, 8, 9 और 10वीं बार अपना पैर पकड़ लीजिए जहां तक आप पकड़ पाए। पीठ सीधी है, दैट्स ऑल्सो, आप घुटना पकड़ रहे हैं जो लोग यहां तक हैं ये भी ठीक है, सीधी रखेंगे पीठ, रोक के रखिए यहां पे 10 सेकंड तक, 10, 9, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए, जो हाथ बीच में रख सकते हैं वो बीच में और पीछे रख सकते हैं वो पीछे हाथ रखे, लंबी गहरी सांस लेके शरीर को रिलैक्स कीजिए। अनुभव बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में कहाँ खिंचाव होता है। सही अभ्यास पूरा अनुभव पर निर्भर है कि आप क्या अनुभव करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं। अब दूसरा अभ्यास हमारा, जो हम राइट हैंड से राइट लेग टच कर रहे थे, अब हम अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग टच करेंगे। कैसे? हाथ को इस तरीके से ले जाते होंगे, वापस हाथ नीचे, दूसरा हाथ दूसरे पैर पे। अगर पैर टच नहीं होता है तो सिर्फ हाथों को चलाइए। देखिए, आप देख सकते हैं मुझे, पैर टच नहीं हो रहा तो बस इस तरीके से दोनों हाथ दोनों दिशाओं में बराबर एक साथ, आपकी कमर में, आपके पेट में खिंचाव आना चाहिए दोनों तरफ। बारी बारी से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे,
एक दो तीन चार, लगातार अभ्यास करते रहिए। पांच, छह, सात, दोनों तरफ लगातार। आठ, नौ, दस। पीठ सीधी कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। शरीर में थकान महसूस नहीं होने देना है। अब यहाँ एक बॉडी चेक प्रोसेस और, कि आपका शरीर सीधा है या नहीं, आप ठीक हो या नहीं। उसके लिए दोनों हाथों की फिंगर लॉक करेंगे हम इस तरीके से। पैर सीधे, बिल्कुल घुटने ना हमें ऐसे करने हैं ना हमें ऐसे करने हैं, सीधे और टाइट। हाथों को लगाया जमीन पे इस तरीके से और सांस भरेंगे, लेते जाइए हाथों को सीधा ऊपर। अब देखिए इस पोजीशन में आप कितनी देर बिना तनाव के मुस्कुरा सकते हैं। अगर आप प्रसन्नता से 10 सेकंड भी यहां रुके हैं बात करते करते, तो आपका अभ्यास बहुत बढ़िया है। यदि आपको दांतों को दबाना पड़ रहा है, माथे पर शिकर आ रही है, तो आपका अभ्यास ठीक नहीं है। हाथों को सीधे खींचा और आपके कंधे जो है वो आपके कान को ढक लें इस तरीके से। रोके रखेंगे यहां सिर्फ 10 सेकेंड। मेरे साथ काउंट कीजिए लंबी गहरी सांस के साथ। एक, दो, तीन, हाथ सीधे चेहरे पे प्रसन्नता। चार, पांच, छह, सात, खिंचाव दीजिए ऊपर, पीठ एकदम सीधी। सात, आठ, नौ, दस। ऐसे ही हाथ करते हुए आगे जाइए और दोनों हाथों को जमीन से टच करना है, लेकिन हमारे कान और हाथ छूटे नहीं। ये ऐसे ना हो बल्कि हाथ हमारे इसी तरीके से हों। और फिर से ऊपर, आपकी गर्दन जो है वो हाथ कान के साथ रहे। ये प्रोसीजर आपका लगातार आप कर पाते हैं या नहीं देखिए। अगर आप आधे भी जा रहे हैं दैट्स ऑल्सो ओके। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ के आगे झुकिए। लगातार सिर्फ 5 बार करेंगे अभ्यास। एक, दो, तीन, चार, पांच। वापस आएंगे आराम से। काफी अभ्यास हमने किया। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ेंगे, भद्रासन की स्थिति, बटरफ्लाई पोज। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़िए, पीठ को सीधा रखिए और दोनों पैरों को तनाव दीजिए, खिंचाव दीजिए नीचे की तरफ, कि आपके घुटने जो है वो जमीन से टच हो पाए। नहीं होते हैं अगर, तो पैरों को हम चलाएंगे ऊपर नीचे लगातार। सही अनुभव करने के लिए सही अभ्यास बहुत जरूरी है, कि आखिर कैसे अभ्यास होता है, कैसे खिंचाव आपके अंदर पैदा होता है, और कैसे आज आप खुद अपने पेट की मसल्स को, पैरों की मसल्स का अनुभव करते हैं, कि कैसे ये आपके शरीर में परिवर्तन लाते हैं। पीठ को सीधा रखिए, वापस झुकने नहीं देना है, और तेजी से चलाइए पैर अप एंड डाउन लगातार लंबी गहरी सांस के साथ। पूरे शरीर में स्थिरता लगातार आए। आप देख पा रहे हैं इसमें से कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं है जो ज्यादा कठिन या तनाव पूर्वक हो। हम अपने आसन पे बैठे बैठे बिना कहीं जाए बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, और ये भी सहज नहीं है, तो आपको जरूरत है अभ्यास करने की। और आराम से रोकेंगे, दोनों पैरों पे रखेंगे हाथ दोनों घुटनों पे, और दबाइए दोनों हाथों से दोनों पैरों को नीचे जितना हो सके। पीठ को सीधा रखिए, कंधे आपके सीधे, और तनाव देते हुए नीचे खींचिए। पूरे पैरों में खिंचाव आना चाहिए, और लंबी गहरी सांस का अनुभव कीजिए यहाँ पे। 5 सेकंड्स होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। वापस पकड़िए पैर और सांस छोड़ते हुए आज अपने ही चरण स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। अपना माथा अपने पैरों पर लगाने का प्रयास कीजिए श्वास छोड़ते हुए। धीरे धीरे नीचे जाइए और देखिए अब दुनिया के चरण स्पर्श करते करते स्वयं के करने योग्य बचे भी हैं या नहीं। झुकाव दीजिए श्वास छोड़ते हुए, पूरा माथा लगा दीजिए अपने पैरों के ऊपर,
और नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और सांस भरते हुए वापस आइए ऊपर, धीमे धीमे पीठ को सीधा कीजिए। देखिए छोइए, बहुत अभ्यास छोटे हैं, इनमें से कोई भी कठिन अभ्यास नहीं है, कोई भी तनाव पूर्वक नहीं है। लेकिन ये भी अगर आपसे नहीं होते तो आप थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए कि आपको जो है अभ्यास की अति आवश्यक है। क्योंकि इस महामारी के दौरान जहां हम लोग सेशन कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि इस महामारी में सबको पता चल गया है कि शरीर से बड़ी संपदा किसी की कोई और नहीं है। बड़े बड़े लोगों के पैसे धरे के धरे रह गए क्योंकि उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है। पैरों कीजिए वापस सीधा, और इसी सीधे करने के साथ साथ आज हम थोड़ी सी यहीं पे खिंचाव वापस करेंगे। जिन लोगों को पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए बड़ा बढ़िया अभ्यास है ये। दोनों पैरों को गोल गोल घुमाएंगे हम, राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट, आगे पीछे दोनों साइड से बराबर घुमाइए पैरों को। और अभ्यास हम जारी रखेंगे, निरंतर रखेंगे, और इसी के साथ बहुत सहज रूप से आराम से हम खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ भी खड़े होने का प्रयास देखिए कि जो हाथ को बिना जमीन पे लगाए खड़े हो सकते हैं या नहीं। इस पोजीशन में बैठने के बाद हाथ को सीधा, और देखिए कैसे हम खड़े होते हैं। नहीं नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आराम से खड़े हो जाइए। ये पोजीशन हमारी, लंबी गहरी सांस जो है लगातार चलती रहे। हर सेकंड आपके शरीर में जो खिंचाव है, आपके शरीर में खिंचाव के साथ साथ आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है, यानी कि आपके दिल की धड़कन जो है, हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, उसे रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस के साथ रिलैक्स करने का तरीका, पैरों को खोलिए आराम से, हाथ को पीछे और गर्दन को नीचे। इस पोजीशन में हम रिलैक्स कर सकते हैं। शरीर की हर स्थिति सामान्य, लंबी गहरी सांस के साथ शरीर को मन को स्थिर कीजिए और आराम से सीधे खड़े हो जाएंगे वापस अभ्यास के लिए। अब दोनों हाथों को हमें रखना है अपनी कमर पे। ये हमारा अभ्यास, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर की तरफ। और कोशिश कीजिए जब हाथ आप पीछे रखें तो दोनों हाथों के अंगूठे आपस में टच हो पाए। और सांस भरते हुए गर्दन को झुकाइए पीछे, आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खोल के एक बार देखिए अभ्यास कैसे होता है। सांस भर के इस तरीके से हमें पीछे जाके अपने आप को रोक के रखना है। सांस भरेंगे, जाइए पीछे, छत की तरफ देखिए, कमर में झुकाव, रोकेंगे 5 सेकेंड, 5 4 3 2 एक, वापस सेंटर में सामान्य। फिर से एक बार सांस भरिए, जाइए पीछे, गर्दन एकदम पीछे, कमर वाले हिस्से में ज्यादा से ज्यादा तनाव दीजिए। धीमे से वापस आएंगे, सीधे हाथों को फिर एडजस्ट कीजिए, अपना अंगूठे छूटे ना, अंगूठे टच रहे हैं पीछे से। और सांस भर के फिर से पीछे रोक के रखेंगे यहां पे, 5 4 3 2 1 वापस सामान्य रिलैक्स। इसी पोजीशन को दोबारा करेंगे हाथों को थाइस पर रखते हुए। अब हाथों को खोल के कैसे करेंगे, सांस भर के हाथ ऊपर पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, हाथ को जमीन की तरफ, फिर सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए पीछे, और सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस भरते हुए हाथ ऊपर पीछे छोड़ते हुए आगे। 10 बार मेरे साथ, एक खींच के रखिए ऊपर, सांस छोड़ के वापस, दो हाथ सीधे खिंचाव पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, तीन लगातार सांस छोड़ के वापस, चार पीछे गए वापस नीचे आए, पांच वापस ऊपर खिंचाव दीजिए कमर और पेट पे, छह सांस छोड़ के वापस, सात सांस छोड़ के वापस, आठ सांस छोड़ के वापस, नौ
सांस छोड़ के वापस 10 और 10 में वापस नीचे। अब नीचे आके हमें रुकना है। आपके हाथ देखिए यहां तक हैं तो ठीक है, यहां तक हैं तो ठीक है, जमीन पे हैं तो भी ठीक है, लेकिन यहां पे हम रोक के रखेंगे जितना नीचे आप जा पाए। घुटने सीधे, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे लगातार। दस सेकंड रुकिए यहां पे, 10, घुटने एकदम सीधे, मुड़ने नहीं चाहिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भर के ऊपर, हाथों को फिर से ले जाइए पीछे और धीमे से वापस। शरीर को रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए हमेशा नाक से। सांस का उपयोग मुंह से कभी भी नहीं, क्योंकि मुंह के और भी बहुत से काम है। सांस के लिए सिर्फ नाक, पैरों में गैस, हाथ कमर के पीछे, आंखें बंद, गर्दन नीचे। लंबी गहरी सांस लीजिए, शरीर में जो तनाव पैदा होता है अभ्यास के समय उसको रिलैक्स कीजिए। हर अभ्यास के बाद रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। रिलैक्स करेंगे तो पिछले अभ्यास की थकान जाएगी और आगे के अभ्यास के लिए ताकत मिलेगी। लंबा गहरा सांस खींचिए लगातार, हर सेकंड निरंतरता बनाए रखिए अपने अभ्यास में। सांस पर सांस की गति लंबी और गहरी, डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट। सांस खींचिए लंबा गहरा। हमारे साथ सभी एज ग्रुप के लोग हैं, तो मैं सभी का विशेष ध्यान रखना है कि जो यंग है वो अभ्यास जल्दी और सहज कर सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा है उनको थोड़ा सा रिलैक्स का मौका जरूर देना है। लंबी गहरी सांस लगातार लेते रहिए, शरीर की हर स्थिति सामान्य होने तक। आपकी सांस सामान्य हो जाए, आपकी हार्ट बीट जो है वो सामान्य हो जाए, उसके बाद हम शरीर में स्थिरता लाएंगे। दोनों पैरों को वापस खोलिए सीधा। अब जो अभ्यास कर सकते हैं वो अभ्यास इसका जरूर करें और दोनों हाथों को रखेंगे सीधा इस तरीके से। ये हमारी सामान्य स्थिति है, पैर खुले हुए, हाथ खुले हुए, और पैरों को हमेशा मजबूती से रखिए टाइट करके, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। और सांस छोड़ते हुए जैसे पंखा चलता है तो दोनों तरफ इस तरीके से हम जाएंगे नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, दूसरी तरफ बिल्कुल नीचे तक जितना आप जा सकते हैं। अपने घुटने को टच कीजिए, कर सकते हैं तो टखने को टच कीजिए, कर सकते हैं तो जमीन को टच कीजिए, फिर आइए ऊपर, फिर दूसरी तरफ खिंचाव देते हुए नीचे तक। 5 बार करेंगे इसका अभ्यास। 1, चेहरे पे तनाव नहीं आना चाहिए, आप सभी के चेहरों पे तनाव आता है, मुस्कुराते हुए ताकि प्रसन्नता बनी रहे। 2, खिंचाव दोनों तरफ। 3, 4 और 5, वापस रिलैक्स। ये तो था हमारा यौगिक अभ्यास। अब यौगिक आसन कैसे होते हैं, इसी पोजीशन को दोबारा करेंगे, रोक के रखेंगे। अगर हम यहां जा रहे हैं तो यहां रोकेंगे, नीचे जा रहे हैं तो नीचे। चलिए शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड, हाथ स्ट्रेट, सांस छोड़िए और इस पोजीशन में भी रोक के रखिए, यहां है, ओके। स्ट्रेच फील कीजिए कमर पे, पैरों पे, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, हाथ लगे तो आप पैर पे रख के सहारा भी ले सकते हैं। रोकेंगे 5, 4, 3, 2, 1, हाथ को सीधा कीजिए दूसरी दिशा में, सेम पोजीशन, हाथ को ले जाइए नीचे और रोक के रखेंगे यहां 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, हाथ सीधे कमर के पास, रिलैक्स कीजिए। लंबी गहरी सांस, सामान्य स्थिति। याद रहे अभ्यास में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, लंबी गहरी सांस लेते रहिए,
श्वास लेने का रिलैक्स का तरीका, आप ज्यादा थकते हैं तो पैर खुले हुए, हाथ पीछे, गर्दन नीचे, ये तरीका जितना हो सके आपको जल्दी रिलैक्स और ऊर्जावान बनाता है। लंबी गहरी श्वास लेते रहिए और सामान्य बनाने की कोशिश कीजिए अपने पूरे शरीर को, क्योंकि श्वास की गति तेज हो जाती है, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो उसका प्रयास सामान्य करने का लगातार, तभी आप आगे के अभ्यासों को सही से कर पाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेते रहिए। ओके, हमारा पूरा कर्तव्य है कि आपको ज्यादा तनाव पूर्वक स्थिति में अभ्यास ना हो, अभ्यास सहजता, मुस्कुराते हुए, पॉजिटिविटी बांटते हुए, और आराम से हम बैठ जाएंगे वापस जमीन पर। और जमीन पर बैठने के बाद कुछ 2 मिनट तक हम मन और शरीर को शांत करेंगे वापस। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए घुटनों पे, पीठ को सीधा कीजिए और 1 मिनट का शरीर को विश्राम दीजिए। लंबी गहरी श्वास सिर्फ 1 मिनट तक, ताकि आपका अभ्यास ज्यादा सहज और ज्यादा शालीन हो पाए। लंबी गहरी श्वास आपके शरीर को लगातार स्थिर करे। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से वितो दृढ़ भूमि। जब लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो हमें इसके ऐसे ऐसे फायदे मिलते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। आप स्वयं को पहचानने लगते हैं, स्वयं को, शरीर को अनुभव करने लगते हैं कि हाँ, हमारा शरीर कितना मायने रखता है। सांस लेते रहिए, शरीर को विश्राम दीजिए कुछ सेकंड्स और धीमे से सांस छोड़ते हुए वापस अभ्यास करेंगे। और अभ्यास में हम लेट जाएंगे पेट के बल लेट जाएंगे आराम से, क्योंकि हम में से कई लोगों को पेट के बल लेटने की आदत ही नहीं रही होती है। ये पोजीशन हमारी सामान्य लेटने की, पंजे आपके बाहर, एड़ियां अंदर, और आप देख पा रहे हैं तो हाथ के ऊपर हाथ रख के, उस पर माथा रख के हम विश्राम करेंगे। लंबी गहरी श्वास लगातार चलती रहे हर सेकंड, 30 सेकंड यहां पे रुकेंगे, जिसका नाम है मकर आसन। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कभी भी कम नहीं होता है। लगातार प्रयास करते जाइए लंबी गहरी सांस का, हर सेकंड शरीर में स्थिरता, मन में शालीनता का बहाव होता रहे। और वापस आएंगे, दोनों हाथों को रखिए अपने चिन के नीचे इस तरीके से जैसे बचपन में हम लोग लेटा करते थे, और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे ऊपर और एक साथ अपने हिप्स को टच कराएंगे, क्योंकि हमारे सेशन में कई लोग ऐसे हैं जिनको घुटनों की बड़ी समस्या है, घुटनों में दर्द रहता है, सामान्य रूप से नहीं रहता तो सीजन चेंज यानी कि सर्दियां आने पर घुटनों में तकलीफ होने लगती है, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास अपने एड़ी, अपने हिप्स को टच कराइए। टच होती हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं होती हैं तो आपको घुटनों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है बहुत जल्दी। कई लोगों का शुगर अप डाउन होता है तो उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, उसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास, लगातार चलाते रहिए इसका अभ्यास। तो हम लोग टीवी देखते देखते, अब जब हम जमीन पर पैर लेके आएंगे तो जमीन से टच नहीं करने हैं, सिर्फ हवा में दोनों पैर हवा में ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे लगातार 30 सेकंड्स और इसका अभ्यास करेंगे। पैरों को सीधा लाइए सहजता से, ना ज्यादा तनाव देना है। कई लोगों को इस पोजीशन में लेटने में तकलीफ होती है, क्यों? क्योंकि उनका पेट बहुत बड़ा हुआ है। रोज इससे लेटने का प्रयास कीजिए, वो भी बेड पे नहीं है, जमीन पर। आपका पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा 1 हफ्ते में। बस लेटिए और पैरों को चलाइए ऊपर
नीचे लगातार हर सेकंड, और धीमे से पैरों को करेंगे सीधा जमीन पे, पैरों को आराम देंगे और दोनों हाथों को रखेंगे हम अपने कंधे के पास। ये पोजीशन हमारे हाथों की, और सांस भरेंगे भुजंगासन। इस तरीके से उठाना है हमें। अब देखिए, मुझे देख के आप उतना अभ्यास मत कीजिए, जितना सहज हो आप इतने उठ रहे हैं वो भी ठीक है। छोड़ते हुए वापस सांस भरेंगे ऊपर तक, छोड़ते हुए वापस नीचे 10 बार एक साथ। सांस भरेंगे ऊपर, ब्रीथ आउट, डाउन, इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन, 10 टाइम्स, 1, सांस छोड़ते हुए नीचे, 2, सांस छोड़ते हुए नीचे, 3, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, 4, सांस छोड़ के नीचे, 5, 6, 7, पेट पानी की तरह पिघल गया है इसमें से, 9, 10, रोक के रखेंगे यहां पे, सीधा रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए 5 सेकेंड्स, 5, गर्दन छत की तरफ, 4, 3, 2, 1, धीमे से वापस हाथ के ऊपर हाथ रखिए, उस पे माथा रखिए और रिलैक्स कीजिए। शरीर में स्थिति रिलैक्स की, यानी शरीर को सामान्य बनाइए। तेज सांसों के साथ कभी भी अभ्यास नहीं होता है, योग अभ्यास गतिशील तरीके से नहीं होता है, लेकिन यौगिक क्रियाएं आपके आसनों को बेहतर और आसनों में प्रवेश कराने के लिए तैयार करने की विधि है। तो लंबी गहरी सांस लेके शरीर को स्थिर बनाइए और कुछ सेकंड्स मौन रहिए, मन को स्थिर और शांत बनाइए। श्वास पर श्वास की गति लंबी और गहरी, पूरे शरीर में स्थिरता, और जल्दी रिलैक्स होने के चक्कर में मुंह से कभी भी श्वास ना लें, चाहे समय लगे चाहे जल्दी हो जाए। श्वास का अभ्यास सदैव नाक से ही, क्योंकि नाक का श्वास के सिवाय कोई दूसरा कार्य नहीं होता। लंबी गहरी सांस लेते रहिए और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ते रहिए। हर सेकंड सांस पर सांस की गति लंबी, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन बहुत मायने रखता है आपके जीवन में। सांस को लेना पूरक, सांस को छोड़ना रेचक कहा जाता है, और सांस को रोकना कुंभक कहा जाता है। पूरक को ब्रह्मा, रेचक को विष्णु और कुंभक को शिव कहा जाता है, नारायण। तीनों देवों में त्रिदेव के साथ श्वास को श्वास की गति चलती है। स्थिरता जो सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता में परिवर्तन होते हुए बदलती है, और धीमे से अभ्यास से वापस आएंगे और हम लोग आराम से लेट जाएंगे पलट कर पीठ के बल। एक साइड हम लोगों ने काफी देर लेट लिया, आराम से करवट लेते हुए कभी भी उठकर बैठकर नहीं लेटना है, और फिर दूसरी तरफ। अब कई लोगों को पेट में दर्द होने लगता है यहां बैठते हुए, तो वो लोग अपने एक हाथ को नाभि के ऊपर और दूसरे हाथ को उस हाथ के ऊपर रख के पेट को फुलाते हुए ब्रीदिंग कर सकते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं। श्वास भरिए और पेट को फुलाइए। जिन लोगों को पेट में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है उल्टा लेट के, वो इसका अभ्यास करें, श्वास भरें, पेट को फुलाएं ज्यादा से ज्यादा। श्वास छोड़ें, पेट को बिल्कुल अंदर खींचें। श्वास
श्वास भरें, पेट को फुलाएं ऊपर, और श्वास छोड़ के पेट को पिचकाएं ज्यादा से ज्यादा अंदर, और दोनों पैरों को वापस मिला के रखेंगे हम, और दोनों हाथों को रखिए जमीन पर कमर के पास, और राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए पेट के ऊपर लाइए, और दोनों हाथों से घुटना पकड़ के पेट के ऊपर दबाइए। देखिए कितना आप पेट पे दबा सकते हैं, आपके घुटने और पेट के बीच में कितना फैट आता है, कितना जो मांस एक्स्ट्रा है वो आता है। खींच के रखिए, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, रोक के रखेंगे, और यहीं पे अपनी गर्दन को उठाइए और अपनी नाक को घुटने से टच करने की कोशिश की। आप अपने गर्दन उठा के नाक को घुटने से टच कर सकते हैं या नहीं? सही पवन मुक्त आसन का अभ्यास, और नहीं होता तो कोई बात नहीं, सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आइए, पैरों को चेंज करेंगे दूसरी तरफ, दूसरा पैर मोड़ेंगे, पकड़िए हाथ से और उठाइए गर्दन धीमे धीमे, कि आप अपनी नाक को अपने घुटने से कितने सहज रूप से टच कर सकते। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, और यहां रोकेंगे 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। धीमे धीमे वापस पैर को वापस सीधा कीजिए, दूसरा पैर फिर से उठाएंगे, फिर से पकड़िए। अब जो लोग गर्दन नहीं उठा सकते हैं वो यहीं पे रोकेंगे, खींचिए पेट पैर को पेट के ऊपर, और जो गर्दन उठा सकते हैं वो उठाइए, गर्दन लगाइए घुटने से, रोक के रखेंगे 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस पैर को किया सीधा, दूसरे पैर को एक बार फिर से मोड़ेंगे, पकड़ के रखिए हाथ को और दबाइए पीठ पर, उठा सकते हैं गर्दन तो उठाइए, लगाइए घुटने से, और रोक के रखेंगे 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को वापस करेंगे सीधा, दोनों हथेलियां खोल के रखेंगे जमीन पर, पैरों में कीजिए गैप, आंखें बंद, मन शांत, और पूरे शरीर को ले आइए वापस शांत अवस्था में, शांत स्थिति में, आंखें बंद, और पूरे शरीर की एक शांत स्थिति बनाएंगे लंबी गहरी सांस के साथ। हर सेकंड समय की गति का अनुभव करते हुए आंखें बंद कीजिए और लेटे रहेंगे शांति से, बैठना नहीं है अभी, आंखें बंद करके लेट जाइए शवासन की स्थिति में, और वीडियो देखने की और बंद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप सिर्फ मेरी आवाज को सुनिए और शवासन के अभ्यास को अनुभव कीजिए। आंखें बंद करके आपको लेट जाना है, दोनों हाथ खोल के, दोनों पैर खोल के, और मन को शांत करके आंखें बंद रखनी है और आराम से हमें लेट जाना है, लेट के अभ्यास कीजिए इसका। और जो लोग पेट के बल लेटे हुए हैं वो सीधे लेटें, यानी कि पीठ के बल इसका अभ्यास करें, पेट के बल नहीं लेटना है हमें, पीठ के बल लेटिए शवासन की स्थिति। हर 1 सेकेंड तभी आप लोगों से कहा जाता है कि वीडियो ऑन कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं कि आप अभ्यास गलत कर रहे हैं सही। हर सेकेंड श्वास पर श्वास की गति का अनुभव कीजिए, शरीर में सामान्य स्थिति, मन शांत।
आपका अभ्यास बहुत जरूरी है आपके शरीर, आपके मन और विचारों को शांत और शुद्ध करने के लिए। योग ही ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने शरीर को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरीके से शुद्ध करते हैं। आंखें बंद रखिए, शरीर